एमसीबी जिले में नगर निगम चिरमिरी में 14 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किए गए करीब 37 करोड़ के लागत के भूमि पूजन के कार्यों पर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा नेताओं का तर्क है कि नगर निगम द्वारा कार्यों का नाम दर्शाया ही नहीं गया है, ऐसे में इतनी बड़ी राशि का उपयोग किस काम के लिए किया जाएगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं देना भी सवालों के घेरे में आता है। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका निगम चिरमिरी में विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण 14 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत द्वारा नगर निगम में बड़े धूमधाम से किया गया था। करीब 37 करोड़ के कामों की शुरुआत और लोकार्पण कराया गया, जिसमें कार्य का जिक्र कभी नहीं किया गया। इस विषय को लेकर नगर निगम में विपक्ष के नेता ने सत्ताधारी दल पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन कार्यों को कराने का नाम कहीं दर्शाया ही नहीं गया, उसके पूरे होने की कोई गारंटी नहीं है और करोड़ों के काम केवल कागजों पर ही हो जाएंगे। निगम चिरमिरी क्षेत्र में जो 37-38 करोड़ का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्य किया गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्य हुए हैं, ये पूर्व कार्य को भी जोड़ा गया है। मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में जो विकास कार्य का भूमि पूजन हुआ है, निश्चित रूप से ये कागजों पर ही रहेगा, धरातल पर आना असंभव है, क्योंकि जो कार्य का भूमि पूजन पहले भी हो चुका है उसका भी शायद इसमें सम्मिलित किया गया है। निगम द्वारा 3.25 करोड़ रुपयों की लागत से मंगल भवन बनवाया जा रहा है, जिस पर SECL ने पहले ही आपत्ति लगा दी है। ऐसे में मंगल भवन पूर्ण होगा, इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। हम कोरिया कालरी के निवासी, पूरी चिरमिरी में कोरिया एक ऐसा जगह है जहाँ इनकी 37 करोड़ का 37 रुपया भी नहीं लगा है। विकास की बात आती है तो कोरिया कालरी में विकास की रोड रुक जाती है, क्योंकि यहाँ से कहीं का आवागमन का साधन नहीं है और न हमारे यहाँ के लिए एम्प्लॉयमेंट की कोई व्यवस्था दी गई है। कोरिया कालरी में तो मेरी जानकारी में कोई भी ये नहीं हुआ है, सिर्फ रोड ही दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। विकास के नाम में सिर्फ एक खंभा है और खंभा तो पहले से ही लगा हुआ था, तो क्या विकास हुआ है? कुछ भी तो विकास नहीं हुआ है यहाँ कोरिया कालरी में। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का जहाँ तक कि इतिहास रहा है और इसकी चाल चरित्र रहा है यह कि झूठे वादे करना और लोक लुभावन वादे करके जनता को ठगना, ये उनका मूल उद्देश्य रहता है। ये सत्ता हासिल करने के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं। जो लोग गंगा जल की झूठी कसम खा करके और जनता को धोखे में भ्रमित दिग्भ्रमित कर सकते हैं, सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, इनसे ये उसी का एक अंग है, उसी का एक प्रयास। हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का चिरमिरी आगमन हुआ था, उन्होंने करीब 37 करोड़ रुपए का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। चुनाव निकट है, इसलिए नेता जनता को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी घोषणा करते हैं, कुछ भी करते हैं। उसी क्रम में ये एक लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। चुनाव के ऐन वक्त पहले हुए भूमि पूजन कार्य पर राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। विपक्ष का आरोप है कि आम जनता को रिझाने बेवजह के कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिससे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।